आपको तो पता ही है छठ आने वाला है, तो छठ में तो हम लोग ऐसे तो नहीं जा सकते हैं, सभी आंटियों हो, दीदी हो, बहन हो, सबको ही अच्छे से जाना होता है मेकअप करके। तो मैंने आज ऐसा लुक क्रिएट किया है जिससे कि आप सभी इस मेकअप को कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो और कोई भी लुक में आप इस मेकअप को ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फेस में सनस्क्रीन लगा लेना है, सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लेना है, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद फाउंडेशन लगा के आपको सेट कर लेना है सिंपल सा। उसके बाद आपको आइज़ के नीचे कंसीलर लगाना है थोड़ा थोड़ा, ताकि आपके आइज़ के अंडर आइज़ मतलब कि जो ब्लैक हेड्स वो ब्लैक जो होते हैं आइज़ के, तो वो सब हट जाए, इसके वजह से आपको लगाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कॉन्टोर करना है। देखिए कॉन्टोर करना तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, तो मैंने यहाँ पर आप सभी को ईजी फॉर्मूला में दिखाया है कि आप अपने लाइनर लेके, लिप लाइनर जो है उसको लेके आप कॉन्टोर कर सकते हैं। अब देखो ब्लश के बिना तो सब कुछ अधूरा ही है, तो ब्लश आपको जस्ट ऐसे ऐसे करके टैप टैप करके लगा लेना। उसके बाद में आपको ब्लश को ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेना है। तो देखिए आपको कितना अच्छा सा लग रहा है, बहुत ही नॉर्मल सा और सिंपल सा लुक में बहुत ही अच्छा सा ब्लश आ चुका है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, बेकिंग करना है। अरे यार खाने का बेकिंग नहीं करना है, फेस का बेकिंग करना है, तो वो मैं बताती हूँ कैसे करना है। आपको पाउडर लेना है, पाउडर लेके अंडर आइज़ के नीचे, उसके बाद अपने चीज़ के पास जहाँ पे आप कॉन्टोर करते हैं वहाँ पे आपको पाउडर लगा के छोड़ देना है कुछ देर के लिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आइज़ का मेकअप करना है। तो आइज़ मेकअप आपको क्या रखना है मैं बताती हूँ आपको। आइज़ का मेकअप कोई भी आप मेकअप करें उसमें गोल्डन और शाइनी रखेंगे तो वो हर चीज़ पे बहुत ही अच्छा सूट करेगा और बहुत ही झक्कास लगेंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आईब्रो सेट करना है। तो काफ़ी लोग आईब्रोस ब्लैक कलर का सेट करते हैं, अरे बहन ब्लैक कलर का नहीं किया जाता है, वो ब्राउन कलर का किया जाता है, वो बहुत गंदा दिखता है ब्लैक कलर का। तो आप ब्राउन कलर का करें, वो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही नेचुरल भी लगता है। उसके बाद आईज़ पे बिना आईलाइनर और बिना काजल के तो हम नहीं जा सकते हैं, यही तो हमारे चार चांद लगाते हैं मेकअप में। तो आईज़ पे आप काजल और आईलाइनर तो ज़रूर ही लगाना, इसको स्किप मत करना। और मस्करा, मस्करा तो वो मस्त इम्पॉर्टेंट है, वही तो आपके आँखों को बहुत ही सुंदर बनाता है और बड़ी बड़ी आँखें लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है देखने में, तो उसको तो स्किप बिल्कुल भी मत करना। देखिए मस्करा लगाते ही मतलब आईज़ कितनी अच्छी लगने लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगी। उसके बाद आपने जो बेक किया हुआ पाउडर था वो सब आपको रिमूव कर लेना है ब्रश के थ्रू से। अब देखो पूरा मेकअप तो हो गया, पर लिपस्टिक हुआ के बिना तो कोई भी मेकअप अधूरा लगता है ना, तो वो ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। तो लिपस्टिक सबसे ज़्यादा अच्छे से लगाना पड़ता है। तो आपको क्या करना, अच्छी तरीके से लिपस्टिक लगाना है, वो कैसे मैं बताती हूँ। सबसे आप पहले आपको पेंसिल लेना है लाइनर वाला, तो उससे आपको लिप्स पे, पूरा लिप्स पे आपको लिपस्टिक की तरह लगा लेना है। उसके बाद आपको बॉर्डर बनाना है ब्लैक काजल से। ब्लैक काजल का बॉर्डर बनाने के बाद में आप उसके ऊपर से रेड लिपस्टिक लगा लें। रेड लिपस्टिक लगाने के बाद में उसके बाद अपने आप फोटो को मसलते रहे जब तक कि आपका लिपस्टिक एकदम से मिक्स ना हो जाए उसमें। अब देखो मेकअप तो हो गया, पर ऐसे ही अगर बाहर जाओगे आप तो आपकी सासू माँ और मम्मी बहुत मारेगी, तो इसीलिए उनके मारने से पहले ही आप एकदम रेडी हो जाना, सच सवर के तैयार, झक्कास लग जाना। तो बताओ आपको कैसा लगा ये लुक। ये लुक बहुत ही ईजी है, कोई भी कर सकता है। तो बाय द वे आपको फाइनल लुक कैसा लगा ज़रूर बताना, मेरा फुल लुक है ये। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।